हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ व्हाट्सएप के मतलब होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आप सबको बताया कि व्हाट्सएप जो अभी अपडेट हो चुकी है, यो व्हाट्सएप FM और GB तीनों में अभी अपडेट आ चुका है। जो कि पहले व्हाट्सएप था 8.45, तो अभी आ चुका है अपडेट 8.51। तो इसको आप कैसे अपडेट कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाई थी कि आप जो व्हाट्सएप में न्यू फ्यूचर फंक्शन आ चुके हैं वो आप कैसे ईजीली मतलब अप्लाई कर सकते हैं, अपडेट कर लीजिए, तो वो आप कैसे उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप को अपडेट करना पड़ेगा। तो लोगों के SMS आ रहे हैं कि व्हाट्सएप अपडेट नहीं हो रही, वो उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे भी कर रहे हैं, लेकिन वो वेबसाइट से नहीं डाउनलोड हो रही। अगर डाउनलोड हो रही है तो वो इंस्टॉल नहीं हो रही। तो इसके मतलब आज की वीडियो है कि आप किस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये कैसे आपने इंस्टॉल करनी है। दूसरी जो पहले आपके पास वेरियंट पड़ा है उसको आपने इंस्टॉल करना है या नहीं करना, तो आपका डेटा कैसे वापस आ सकता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये यो व्हाट्सअप पड़ी है, ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है। तो मैं जस्ट इसको ओपन करता हूं तो आप देखते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा इसमें मौजूद है। तो आपने सिंपल करना क्या है, ये जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने सिंपल इस पर टैप करना है तो ये रीडायरेक्ट करके आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से आपने यो व्हाट्सएप को डाउनलोड करना है, जो कि न्यू वर्जन आ चुका है 8.51। जो न्यू वर्जन आ चुका है उसको आपने इस लिंक से डाउनलोड करना है। अगर आप इस लिंक से नहीं जाएंगे तो हो सकता है आपको ये ना मिले। अगर आप इसकी यो व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड करेंगे तब भी ये आपके मोबाइल में नहीं चलेगी। इंस्टॉल करने के बाद ये लिखा आएगा दिस ऐप नॉट इंस्टॉल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इस लिंक से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे टैप करना है, तो एक सिर्फ ये बटन आपने दबाना है, सिर्फ डाउनलोड पे टैप करना है और यहाँ से ओके कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं जस्ट इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ पे जाना है इस व्हाट्सएप में और जाने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद चैट में जाना है और यहाँ से आपने इसका चैट बैकअप लाजमी लगाना है। चैट बैकअप लगाने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना है। ठीक फ्रेंड्स, आपने चैट बैकअप लाजमी लगाना है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपका डेटा ज़ाया हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। उसके बाद आपने जो व्हाट्सएप को डाउनलोड किया होगा गूगल से, उसको लिंक से डाउनलोड किया होगा, उसको आपने इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं जस्ट इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक ये इंस्टॉल होती। तो फ्रेंड्स, आपने लाजमी इसका बैकअप लगाना है, क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं लगाएंगे तो आपके मैसेज, वीडियो और पिक्चर वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाएगा, आपका बैकअप वापस नहीं आएगा। तो आपने बैकअप लाजमी लगाना है। तो तब तक ये इंस्टॉल होती हम वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या क्या सेटिंग करनी है। तो ये वर्जन आ चुका है, ये आपको मिल जाएगा इजीली। अगर आप गूगल से डाउनलोड करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम करते हैं डाउन और सिंपल चलते हैं व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप में। तो आप FM व्हाट्सएप को भी इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसी लिंक में आपको तीनों व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एक नंबर लिख लेता हूँ, तो मैंने लिख लिया। अभी SMS का वेट करते हैं, जब तक SMS आता तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि SMS आएगा तो व्हाट्सएप बनेगी, यहाँ से आपने इसमें नॉट नो कर लेना है। तो अभी ये दिखा रहा है रीसेंट SMS इन 7 आवर, तो ये इतना लेट नहीं करेगा, जल्दी आ जाएगा। तो हम वेट करते हैं 2 मिनट तक, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप भी, क्योंकि SMS आएगा तो उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कोड आ चुका है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, SMS नहीं सेंड किया, तो मैंने कॉल पे क्लिक किया था। तो यहाँ से हम नॉट नो पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपने बैकअप लगाया होगा तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अगर आपने इसका बैकअप नहीं लगाया होगा तो आपके पास नहीं आएगा। तो आपने अगर वापस लाना है डेटा तो आपने रीस्टोर पर क्लिक करना है। रीस्टोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जितना आपका डेटा होगा उस हिसाब से टाइम लगाएगा, तकरीबन 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगाया जाए 2 मिनट तक ये लगाएगा। उससे पहले देख सकते हैं कितना जल्दी हो चुका है।
आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने नाम लिख लेना है, जो भी आपका नाम होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि ये वर्जन आ चुका है 8.51, तो ये अभी लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके और यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने चैट बैकअप लगाया था, तो मेरे तीन मैसेज थे, वो तीन मैसेज और दूसरे में दो मैसेज थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दो ही चैट मेरे पास अवेलेबल थी, तो दोनों मेरे पास मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक मसला आपको होगा कि आपके जो कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो आपको यहाँ पे नाम नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आप ये वाला बटन नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एफएम मोड में जाना है और यहाँ से आपने होम स्क्रीन, उसके बाद ये वाला आपके पास एक्शन बटन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने ऑन करना है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है, बैक जैसे आएंगे उसके बाद ये आपके पास काम करना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको अलो कर लेना है, तो ये आप देखते हैं कि अब रिफ्रेश हो रहा है, तो आप दोबारा से वहीं पे जाएं, तो होम स्क्रीन यहां से आप इसको दोबारा से ऑफ़ कर लें अगर आप करना चाहें। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी रिफ्रेश भी हो चुका है, मेरा पहले यहाँ पे नंबर शो हो रहा था, अभी ये नाम भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।